कोरोना वायरस को शांत कराए जाने के लिए चल रहा हवन का हुआ समापन। देश में फैली महामारी में देश सुरक्षित रहे, उस उद्देश्य से 6 महीने से चल रहा था हवन का आयोजन। झांसी जनपद के मोड़ तहसील ग्राम करगुआ में स्थित श्रीदेव के मंदिर पर कोविड 19 से देशवासियों को सुरक्षा दिए जाने के लिए मंदिर के प्रबंधक तेज सिंह कुशवाहा के द्वारा हवन पूजा का कार्यक्रम कराया जा रहा था, जो 6 माह से पूर्ण होने के बाद आज उसकी पूर्ण आहुति कर दी गई। इस दौरान हवन पूजन कराने वाले विप्रजनों को उनके द्वारा दक्षिणा के साथ साथ अंग वस्त्र ओढ़ाकर विदा कर दिया गया। वहीं मंदिर प्रबंधन द्वारा पीपलेश्वर मैरिज गार्डन में कन्या भोज कराया गया। इस दौरान बाबूदेव कुशवाहा, रामशंकर मिश्रा, रवि समेले, सुनील नायक, लला महाराज, वीरेंद्र मिश्रा, रामजी महाराज, संत रविदास त्यागी आदि उपस्थित रहे। पंकज रावत, मोड़ संवाददाता, हिंदुस्तान न्यूज 24। श्री तेज सिंह कुशवाहा जी के साथ हूँ। प्रबंधक जी, ये बताइए, आपने जो ये ब्राह्मणों का सम्मान समारोह किया है, तो ये किसके उद्देश्य से किया, क्या मतलब है आपका इसका? भाई, हम 11 अप्रैल से 6 महीने का संकल्प लिए थे, 11 महीने से कोरोना महामारी समाप्त करने के लिए दोनों टाइम सुबह और शाम यज्ञ करते थे, समाप्त करने के लिए कोरोना के लिए, और वो 6 महीना हमारे पूर्ण हो गए 10 अक्टूबर को। इस उपलक्ष्य में, पूर्ण आहुति के उपलक्ष्य में, सभी पंडितों को, क्षेत्र भर के पंडितों को बुलाया गया और सभी को भोजन दिए और सम्मान सहित उनका विदाई दी। आगे आपका क्या उद्देश्य है? और आगे आश्रम को कीर्ति बढ़े, सभी लोगों को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों को आशीर्वाद मिले, आगे चल के जो प्रभु की कृपा बनी तो फिर कन्या का पालने के लिए भी मन में जो विचार है वो भी भगवान की कृपा से पूर्ण होगा तो जरूर करेंगे। तो आपने ये सम्मान मंदिर पे भी कर सकते थे, यहाँ क्यों किया ये इस जगह? नहीं, ये मंदिर का प्रगाढ़ है पूरा, और ये भी कभी यज्ञ होना है, कभी भागवत होना है, सामूहिक शादियाँ होना है, उस उद्देश्य से ये मंच बनाया गया और आश्रम के बीच में वहीं से उनका सम्मान किया।